गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोग आ गए हैं अपने अपने स्क्रीन पर। ओके, अपना लैपटॉप ऑन कर लिए हैं। सोहन, मोहित, कंप्यूटर ऑन, और आप लोग कुछ स्टूडेंट्स। हाँ, वेरी गुड, सभी लोग अपने आ गए हैं, स्मार्टफोन पर भी आ गए हैं। तो चलिए, आज के इस डिजिटल क्लास में हम लोग घर बैठे अब ट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आप लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान देंगे। बुक से जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था वो तो क्लास आप लोगों ने कर लिया है, अब हम लोग रीकैप क्लास करते हैं। चलिए देखते हैं, तो आज का टॉपिक है क्या, आज का आप लोग का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। आज आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ओके, टेंथ क्लास के स्टूडेंट सभी हैं? यस, ओके, ज्वाइंट एवरीवन। ओके, हाँ कुंदन, यस यस ज्वाइन, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। यस, तो हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी तो है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ में कोई रखता है तो वो कौन रखता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ए टाइप ऑफ एनर्जी, वेरी गुड, सिंपल एक जवाब आया, अ टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी का एक प्रकार है, वेरी गुड। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारे को एनर्जी का है तो वो कौन सा है? तो इलेक्ट्रिसिटी, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, वेरी गुड, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मैजिक क्लास है, ध्यान देंगे, आसानी से आप सीखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे के लाइफ में एनर्जी का, वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, ये आप कैसे कह सकते हैं? इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारा एनर्जी का वो कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। आप कैसे कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी ही है? तो आप लोग अभी क्लास कर रहे हैं या सभी लोग, तो किस चीज़ पर क्लास कर रहे हैं? लैपटॉप और डेस्कटॉप, और कुछ स्टूडेंट्स किस पर हैं? स्मार्टफोन। ये किस चीज़ से चलता है, कौन सी एनर्जी इसमें यूज हो रही है? कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? बैटरी एनर्जी। बैटरी एनर्जी आता कहाँ से है? बैटरी एनर्जी आता कहाँ से है इसमें? बैटरी में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है और उसके बाद हमारा बैटरी से आपका लैपटॉप चलता है, स्मार्टफोन चलता है ना, वेरी गुड। बैटरी एनर्जी नया टाइप का एनर्जी है। चलिए, और बैटरी एनर्जी में एनर्जी जो स्टोर हो रहा है वो कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। गर्मी लग रही है, एसी ऑन है? अच्छा, आपके यहाँ एसी ऑन नहीं है तो फैन ऑन है। अच्छा, ये एसी फैन किस चीज़ से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। लाइट के लिए क्या यूज कर रहे हैं? बल्ब, सी एफ एल एलईडी बल्ब। अच्छा, एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं। और ट्यूबलाइट, अच्छा, ये किस चीज से चल रहे हैं? ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहे हैं। अच्छा, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। ओके, वेल डन। और आप जो इंटरटेनमेंट करते हैं, इंटरटेनमेंट घर में बैठे बैठे आजकल देखते हैं टेलीविजन है ना, स्मार्ट टीवी, ये किस चीज़ से चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो यानी कि हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, और इलेक्ट्रिसिटी को होता क्या है? एनर्जी का एक रूप है, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी चार्जेज, अब स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी चार्जेज। मैंने पढ़ाया था ना बुक में, बुक आप लोग स्टडी किए हैं ना, तो बुक वाला क्लास देख लीजिएगा, वीडियो क्लासेज। टाइप्स ऑफ एनर्जी चार्जेज, कितने तरह के चार्जेज होते हैं ये बताइए मेरे को, चार्जेज कितने तरह के होते हैं? टू टाइप्स, वेरी गुड, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी चार्जेज।
कौन कौन से चार्जेज हैं वो भी बता दीजिए मेरे को, जल्दी बताइएगा। कुंदन, गीता, हाँ बोलिए, कौन कौन है? फर्स्ट अकाउंट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्जेज। और सेकंड कौन सा चार्ज है वो बताएंगे, चलिए बताइए। निगेटिव चार्जेज, वेरी गुड, वेल डन, आप सभी लोग रिस्पांस कर रहे हैं, यानी हमारा बुक से जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो आप लोग पढ़ के आज क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो चार्ज कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज है निगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं। बहुत अच्छा। तो और ये जो चार्ज होते हैं इसके एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, तो कितनी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान देंगे सभी लोग, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। अब आप हमें बताइए कि कितनी प्रकार की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है चार्जेज की, कितनी प्रकार की? टू टाइप्स ऑफ चार्जेज प्रॉपर्टी, टू प्रॉपर्टीज है चार्जेज की, क्या क्या है? अपोजिट चार्जेज लाइक इच अदर, अच्छा, और बोलिए कोई, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर, वेरी गुड, चलिए नोट डाउन मैं करता हूँ, अपोजिट चार्जेज, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर, वेरी गुड, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इच अदर, आप लोग क्लास टेंथ में है ना, वेरी गुड। तो अपोजिट चार्जेज क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी बताइए मेरे को, तो सिमिलर चार्जेज रिपेल इच अदर, अच्छा, सिमिलर चार्जेज, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बता रहा हूं ना आपका एग्जाम में 100 out of 100 आएगा, ध्यान देंगे। सिमिलर चार्जेज रिपेल इच अदर, सिर्फ आपको बैठ करके आराम से इंटरटेनमेंट क्लास करना है, सिमिलर चार्जेज रिपेल इच अदर, ओके, कोई सो नहीं रहा है मॉर्निंग क्लास में, हाँ सभी लोग जागे रहिएगा। अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बताइए कौन कौन से अपोजिट चार्जेज हैं जो अट्रैक्ट कर रहा है, चलिए बताइए। हाँ हाँ ठीक है, पापा मम्मी को अट्रैक्ट करते हैं, मम्मी पापा को, अच्छा, यानी पापा हो गए प्लस चार्ज और मम्मी हो गई माइनस चार्ज, वेरी गुड, और ये बहुत एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छा आप लोग याद किए हुए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। पॉजिटिव चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं किसको? निगेटिव चार्जेज को, चलिए बढ़िया एग्जांपल दिए, पापा मम्मी को अट्रैक्ट करते हैं, और इसलिए अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, है ना, बहुत अच्छा। और सिमिलर चार्जेज रिपेल इच अदर, अब ये बताइए इसका एग्जांपल दीजिए, हाँ क्या आपकी मम्मी जो है वो दादी से रोज झगड़ा खाली करती है, अच्छा ये भी माइनस चार्ज है मम्मी और दादी भी माइनस चार्ज है, दोनों के दोनों गर्ल्स हैं, है ना, और दोनों माइनस चार्ज हैं, तो सास बहू में झगड़ा रोज होता है, तो ये दोनों का दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, है ना, देखना नहीं चाह रहे, माइनस माइनस को रिपेल करता है, ओके, लेकिन पापा किस दादा से तो नहीं झगड़ते हैं, और पापा का चाचा से झगड़ा है, अरे तेरी के एकदम पूरा आप लोग पकड़ लिए हैं, एकदम याद करने का तरीका जो है वो एकदम गजब रखे हुए हैं, पापा चाचा से झगड़ा करते हैं, दोनों प्लस चार्ज हैं, यानी भाई को भाई से नहीं पटता है, आप लोगों को भाई भाई में पट रही है ना, यस वेरी गुड, तो भाई को भाई से नहीं पटता है, प्लस को प्लस से नहीं पटता है, और मम्मी को दादी से नहीं पटता है, माइनस को माइनस से नहीं पटता है, तो सिमिलर चार्जेज रिपेल इच अदर, ये आपको मालूम है, वेरी गुड, और क्या मालूम है आपको? सिमिलर चार्जेज रिपेल इच अदर, एक प्रॉपर्टी तो ये याद है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या याद है? अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर, वेरी गुड, वेल डन, इमेजिन। अब हमारे को अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान देंगे सभी लोग, पढ़ के आए हैं ना,
वेरी गुड। तो मेरे को बताइए एस आई यूनिट, एस आई यूनिट मैं सवाल दे रहा हूँ, ध्यान देंगे, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताइए क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एस आई यूनिट क्या है? कूलम्ब। ओके, COULOMB, कूलम्ब का स्पेलिंग होता है, याद है? ओके, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कूलम्ब। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? सी से। वेरी गुड, सबको याद है कि कूलम्ब का किसका यूनिट है, एस आई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का एस आई यूनिट कूलम्ब है। चलिए, ये तो आप लोगों को याद है। तो आगे मैं पढ़ाता हूँ, आगे मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पढ़ाना क्या है, आप लोग पढ़ाए मेरे को। और चार्ज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आपको मालूम है कि चार्ज कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव है ना। तो पॉजिटिव चार्ज है एक, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा चार्ज कौन है? निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, नहीं ना? हाँ, रिपेल करता है, और निगेटिव निगेटिव को रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पापा मम्मी को अट्रैक्ट करते हैं। बढ़िया तरीका है याद करने का आप लोग का। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो एटम में किस पर होते हैं वो बताइए मेरे को, जल्दी से बताइएगा किस पर होते हैं? प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। अच्छा, एटम में। ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है? सेंटर में। और ये निगेटिव चार्ज क्या होता है? चारों तरफ इसके घूमते रहते हैं। अच्छा, ये सब तो हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे, इसको हटाइए अभी। हाँ, उतना नहीं बताइए आप लोग। चलिए, ये बताइए मेरे को, पॉजिटिव चार्ज पर कितना पावर का चार्ज रहता है, इसके पास कितना चार्ज होता है? चलिए बताइएगा कितना होता है। 1.6 × 10⁻¹⁹, क्या -19, क्या ग्राम, किलोग्राम, क्या कूलम्ब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। सही है, गलत है? कैसे? ओ, प्लस नहीं बताया है। यस यस, पकड़ लिया, प्लस लगाना जरूरी है। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन पर जितना प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज रहता है। अच्छा, खाली प्लस के जगह पर माइनस। वेरी गुड, -1.6 × 10⁻¹⁹, क्या कूलम्ब। ओके, कूलम्ब को सी से डिनोट करते हैं, पूरा कूलम्ब लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रोटॉन का चार्ज जो है वो कितना है? +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, अब एक प्रॉब्लम देख ले, आप लोग का स्टडी तो बहुत अच्छा किए हैं, एक क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए, एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट, कैलकुलेट है ना, कैलकुलेट मतलब क्या? गणना करें, है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कंस्टिट्यूटिंग, कंस्टिट्यूटिंग गप नहीं करेगा कोई, यहाँ क्लास में कोई बैठा है तो गप नहीं करेगा, ठीक है। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ, कूलम्ब का स्पेलिंग बोलिए, मैं भुला गया, कूलम्ब ऑफ, कभी कभी माइंड जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्वेश्चन यही है आपका कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। चलिए, सॉल्यूशन तो लिख दें, सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू व्हाट,
किसमें निकालना है? हमारे को एक कुलंब चार्ज से यदि कोई ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि एक कुलंब का चार्ज है, ठीक है, तो वो उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक कुलंब चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो आप लोगों को तो मालूम है, क्या मालूम है जो बताइए मेरे को, क्या मालूम है कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कुलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को है? एक इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर आपका जो चार्ज है वो पावर कितना है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कुलम्ब। अच्छा, तो आपको निकालना क्या है, एक कुलम्ब पर कितना चार्ज होगा, है ना। 1.6 × 10⁻¹⁹ कुलम्ब चार्ज इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है 1.6 × 10⁻¹⁹ कुलम्ब है। जो भी हमें निकालना होता है उसे हम लोग किस साइड में रखते हैं? राइट हैंड साइड में, है ना। ओके, राइट हैंड साइड में रखते हैं जिससे भी हमें निकालना रहता है, ये तो मालूम ही है आप लोगों को। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो एक कूलम जो चार्ज होगा, 1 कूलम जो चार्ज होंगे, है ना, वो हम लोग देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन के पास होंगे। तो 1 कूलम